वेल दोस्तों, केजीएफ चैप्टर 2 ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया है। यश की फिल्म को क्या पब्लिक और क्या क्रिटिक्स सभी ने फुल मार्क्स दिए हैं। रॉकी भाई बनकर यश ने जो दमदार एक्टिंग की है उसे देख बड़े बड़े स्टार्स के पसीने छूट गए हैं। केजीएफ का रॉकी भाई सभी का भाई बन गया है। रॉकी पर देश ही नहीं विदेश में मौजूद उनके फैंस प्यार लुटा रहे हैं। केजीएफ 2 ने बॉक्स ऑफिस पर बम्पर ओपनिंग की है। फिल्म की भारत में सभी वर्जन में कुल कमाई 134 करोड़ 5 लाख रुपए हो गई है। वहीं हिंदी वर्जन ने 54 करोड़ के साथ खाता खोला है। सिल्वर स्क्रीन पर रॉकी भाई बनकर जो यश आज रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन कर रहे हैं, वही रॉकी सालों पहले बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हुआ था। हुआ यूं था कि यश की 2008 में एक फिल्म आई थी रॉकी। इस फिल्म में भी यश का नाम रॉकी था। पर्दे के इस रॉकी का तब बॉक्स ऑफिस पर डंका नहीं बजा था। यश की ये फिल्म औंधे मुंह गिरी थी। मूवी को क्रिटिक्स ने नेगेटिव रिस्पांस दिया था। कन्नड़ एक्टर की फिल्म रॉकी रोमांटिक ड्रामा थी, जिसे एस के नागेंद्र यूआरएस ने डायरेक्ट किया था। फिल्म में यश के साथ बियंका देसाई, जय जगदीश, रमेश भट्ट और संतोष लीड रोल में थे। क्रिटिक्स को यश की ये फिल्म बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। क्रिटिक्स के रिव्यू का फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर असर पड़ा था। यश की इस फिल्म का बजट 5 करोड़ बताया गया। यश की ये फिल्म दर्शकों की भीड़ को सिनेमाघरों में जुटाने में नाकामयाब रही थी। कुल मिलाकर कहें तो सालों पहले यश रॉकी बनकर जब स्क्रीन पर आए तो पीटे थे, वहीं रॉकी अब पैन इंडिया स्टार और कन्नड़ सिनेमा के मोस्ट बैंकेबल एक्टर बन गए हैं।